मध्य प्रदेश में बजट को लेकर नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए ये बजट है। प्रदेश में शहरों में विकास कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी के लिए पर्याप्त बजट मिला है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बात की अनादि टीवी संवाददाता अंकुर अद्वर्यू ने। मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट आया, हमारे साथ नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, काफी कुछ सौगातें आज नगरी प्रशासन विभाग को मिली। हाँ देखिए, निश्चित रूप से बजट में शहरों के विकास के लिए, चाहे वो हमारे स्मार्ट सिटी हों चाहे बाकी सब सारे शहर हों, विकास के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की है। और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट है और इस बजट के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेट्रो को लेकर कोई खास? मेट्रो हम लोगों को अगस्त 2023 तक चालू करना है, उसको लेकर पूरी कार्य योजना बनी है और तेजी से काम चल रहा है। स्वच्छता मिशन को लेकर? स्वच्छता मिशन को लेकर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र सिंह जी। इनका कहना है कि निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो बजट था वो आज हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग को काफी कुछ विकास कार्यों के लिए इसमें मिला है। कैमरा मैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अद्वर्यू।